ये क्या हो गया? इस बत्ती ने भी अभी गुलूना था। अगर देवी हुकुम की साड़ी समय से तैयार न हुई तो देवी हुकुम ने तो देरी हो जाएगी। अब क्या करूं? वसु वसु कुछ सोच। याद आया, अब देखो वसु का कमाल, 10 मिनट में देवी साड़ी देवी हुकुम की साड़ी इस्त्री हो जाएगी। मेहमानों को 5-स्टार होटल में, 7-स्टार होटल में है। सारी अरेंजमेंट्स परफेक्ट होनी चाहिए। और देव से कहना कि हमारी इस साड़ी की हालत किसने की? ए लड़की, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बिना हमारी इजाजत के तुमने हमारी साड़ी को हाथ भी कैसे लगाया? वो देवी हुकुम, चंद्रिका सिंह चौहान, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और तुमने तो वो साड़ी जला दी जो सा ने हमें दी थी। हम ना कभी कायदे तोड़ते हैं और ना ही कभी तोड़ने देते हैं। तुमने गलती की है और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। तो क्या होगा जब चुलबुली सी वसुधा टकराएगी अनुशासन की मूरत चंद्रिका सिंह चौहान से? जानने के लिए देखिए वसुधा 10:30 बजे 16 सितंबर से सिर्फ जी टीवी पर। Nausheen ji, Priya, I request you all to take your seats in the audience. And we'll just give our events team 2 minutes to clear the stage. Namaskar, aap sab logon ko. नमस्कार मित्रों, मैं ज़्यादा काम कैमरे के पीछे करता हूँ तो कैमरे के सामने मेरी हालत थोड़ी पतली हो जाती है। खैर, तो मैं शुरू करता हूँ अपनी बात जी के साथ अपने रिश्तों की। तो जी के साथ मैंने पहला काम किया था 2002 में, तब से 2020 तक एज डायरेक्टर मैंने कई सारे शोज़ किए जी के, और 2020 में मैं प्रोड्यूसर बना। जी के लिए हमने क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी और मिठाई नाम के 2 सीरियल बनाए, और तीसरी कहानी जो नई है वो ये है वसुधा, जो 16 सितंबर 10:30 बजे से आपके सामने होगी, दर्शकों के सामने होगी। तो ये कहानी 2 महिलाओं की आसपास घूमती है, और जैसा आपको बताया अभी कि चंद्रिका सिंह चौहान उदयपुर की बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है, और जो अपने कड़े संघर्ष और कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हैं। 25 साल उन्होंने बहुत मेहनत की, और ये सब मेहनत करके उन्होंने कमाई जो की वो थी परिवार की प्रतिष्ठा, अपनी कंपनी की साख,
तो ये दो चीज़ों को लेके वो बहुत कॉन्शियस रहती हैं और जिस पे कोई भी आंच नहीं आने देना चाहती, परिवार की प्रतिष्ठा और कंपनी की प्रतिष्ठा। दूसरी चीज़ जो उनकी लाइफ में है वो है उनका कड़ा अनुशासन। तो घड़ी के टिक टिक के साथ उनकी सारी गतिविधियाँ जुड़ी हुई हैं, तो परिवार में सब लोग उसको फॉलो भी करते हैं। और इनकी दुनिया में एक लड़की आती है जो गांव की है, गांव मोगरा झालावाड़ कोटा जिला की, वसुधा सोलंकी। तो वसुधा बिल्कुल अलग मिजाज की लड़की है जिसका कोई भी रंग चंद्रिका सिंह चौहान से नहीं मिलता है। नटखट है, शरारती है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है उनका आत्मविश्वास। दोनों में अटूट आत्मविश्वास है। तो हम जो चंद्रिका सिंह चौहान उदयपुर की जो सफल व्यवसायी सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन है, उनकी ग्रामीण छवि हम वसु में देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि दोनों में आत्मविश्वास भरा हुआ है। कहानी में और भी कई किरदार हैं, तो उनके बेटे हैं चंद्रिका सिंह चौहान के देवांश सिंह चौहान, जो जिन्हें आज का राम कहा जा सकता है, और वो उनके लिए माँ सबसे ऊपर है। माँ की इच्छा, माँ का वचन, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और आज की दुनिया में अगर कोई श्रवण कुमार नाम का बेटा होगा तो वो देवांश सिंह चौहान जैसा होगा। और भी कई किरदार हैं, प्रभात सिंह चौहान जो देवांश के पिता हैं, चंद्रिका सिंह जी के पति हैं, और ऐसे राजपूत हैं जिन्होंने अपने छोटे से बिजनेस की बागडोर बहुत जल्दी अपनी पत्नी को सौंप दी और पत्नी का साथ दिया और एक महिला को उस समाज में आगे बढ़ाया। बाकी और भी कई चरित्र हैं इस कहानी में, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक हैं हनुमंत, जो हमारी हीरोइन हमारी नायिका वसु के पिता हैं और जो चंद्रिका सिंह चौहान के यहाँ लगभग 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, ड्राइवर हैं उनके। और उनके लिए भी चंद्रिका सिंह चौहान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनकी हर बात को पूरा करना उनका काम है। तो कहानी में तो बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत सारी नई नई बातें हैं, बहुत सारे नए संबंध हैं, अलग अलग रंग हैं। कहानी बहुत नई है और अभी हाल फिलहाल ही हम इसका एक बहुत लंबा एक शेड्यूल आउटडोर में करके आए उदयपुर में। अच्छी बात यह है कि हमने काफ़ी आगे तक के एपिसोड्स का आउटडोर किया। नॉर्मली सीरियल में क्या होता है, पहले हफ्ते की कहानी का जो भी है थोड़ा बहुत आउटडोर हो गया, लेकिन हम इसमें काफ़ी आगे तक की कहानी का आउटडोर शूट करके आए। उदयपुर में मौसम थोड़ा था ऐसा बारिश वाला, लेकिन फिर भी हमने शेड्यूल पूरा किया अपनी टीम की वजह से और बहुत अच्छा काम हो गया कम समय में। तो मैं चाहूँगा कि अब बाकी की चीज़ें आप हमारी एवी में देखें, एवी ऑन करें प्लीज़। अभी इन्होंने कहा कि चंद्रिका सिंह चौहान के बेटे हैं, बड़े बेटे वो आज के राम हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि उनके छोटे बेटे हैं अविनाश, जो आज के बिगड़े हुए लक्ष्मण हैं। और एक बात इन्होंने और कही कि वसुधा और चंद्रिका का दिल बिल्कुल एक जैसा है। वो एक पैमाना वो भी है कि चंद्रिका भी गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करती और वसुधा भी गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करती। तो मतलब ये दोनों ही चंद्रिका के दो अलग रूप हैं जो आप देखेंगे। एक बात इन्होंने ये भी कही कि ये कहानी बिल्कुल अलग है, तो वाकई अलग है, ये सिर्फ कहने के लिए अलग नहीं है। और वसुधा चंद्रिका और हमारे किरदारों और सीरियल के बारे में एवी भी देखेंगे आप, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप जो हैं हमारे और दर्शकों के बीच के माध्यम हैं, तो रात 10:30 का शो है, तो आप लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि ये शो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो खा पी के बिस्तर पर बैठ के ये शो देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। ये आप लोगों से गुजारिश है कि ये लोगों तक पहुंचाते रहें लगातार। शुक्रिया, धन्यवाद रेखा जी, आज भी इन्होंने मेरे नंबर कटवा दिए। यस, फील फ्री टू कम फॉरवर्ड, टेक योर पिक्चर्स।
Thank you so much. We'll now move over to the solos shots as well. Okay. मेहनत की है सबसे ज़्यादा इस शो पर जो जिसने मेहनत की है वो हमारे सर है अरविंद जी. 6 months to 8 months स्क्रिप्ट पे काम दिया वर्क किया गया और यू नो लोकेशन कॉस्ट्यूम कास्टिंग एवरीथिंग वाज परफेक्ट ओनली थैंक्स टू सर एंड रेखा जी. एंड अगर आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं और आपको अच्छा लगता है वो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देम. एज एक्टर्स हमने हमारी प्रेपरेशन कैसे की है आई थिंक टीम एफर्ट बहुत रहा है हम सबका और जैसा मैम ने बोला है कि जैसे सर ने बहुत मेहनत की है बाकी होल यूनिट जितने भी हमारे एक्टर्स हैं जितने भी एडी टीम में हैं आई थिंक एवरी वन हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब. और हमने उदयपुर में भी शूट किया है एंड बहुत आउटडोर शूट था बहुत बारिश थी बहुत धूप थी उसमें भी हमारा शूट करके ऐसे प्रोडक्ट आना है. आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो मेहनत हुई है. हमारी हीरोइन इतनी ब्यूटीफुल है ना और हमारा हीरो बहुत ही हैंडसम है ना. हाँ बोलो. हाँ बोलो कोई नहीं बोला तो शो जरूर देखना बिल्कुल मत भूलना 16 सितंबर से रात को 10:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर. नहीं नहीं ये बिल्कुल भी सास बहू वाला ड्रामा नहीं है कोई बॉय मीट गर्ल वाला रोमांस नहीं है. इट्स अ डिफरेंट प्लॉट और इसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि एक अर्बन लाइफस्टाइल है और एक जो वसुधा है उसका रूरल लाइफस्टाइल है तो वो कैसे कोप अप करती है जब वो चंद्रिका की दुनिया में आती है तो वो क्या चैलेंजेस फेस करती है और वो कैसे चंद्रिका को यू नो उसका बिहेवियर चेंज उसको टर्न अप करती है एक मतलब सॉफ्ट हार्टेड वुमेन में और वो कैसे कैसे चंद्रिका के दिल को दिल के करीब जाना चाहती है. बस द शो इज़ ऑल अबाउट इट. वसुधा को वसुधा एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही इनोसेंट है उसको उसको बिल्कुल किसी से फ़र्क नहीं पड़ता उसको बस खुद का पता है उसका दिल बहुत साफ है और उसको ये पता है कि मुझे ये करना है क्योंकि इससे दूसरे का भला हो रहा है तो शी विल नेवर थिंक अबाउट हर सेल्फ एंड वो सिर्फ वो करेगी जिससे उसको लगता है कि नहीं मैं चाहे मुसीबत में आ जाऊँ लेकिन सामने वाले के साथ बुरा नहीं होना चाहिए. मतलब ये बेसिकली उसकी इनोसेंस डिस्क्राइब करता है. मैम आपसे क्वेश्चन है कि इतने सारे टीवी सीरियल्स टीवी शोज आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आप जो शो लेके आ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंट ऑफर कर रहे हैं और क्या लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शो से. जैसे कि हमने पहले भी कहा कि दिस इज़ ये कोई सास बहू ड्रामा नहीं है ये दो औरतों की कहानी है जो अपनी अपनी नज़र में सही है कोई सही और गलत नहीं है. हर एक का दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है बस और वहीं पे जो टकरार आती है वो कहानी का मुद्दा है और बहुत ही जैसे व्हाट्स द वर्ड फॉर फेथफुल सन आज्ञाकारी बेटा है और एक बहुत ही नटखट बेटा है तो ये कहानी आपको कहीं और नहीं दिखेगी. आपको मैं गारंटी देती हूँ जैसे सर ने इसे शूट किया है ये एक फिल्म से कम नहीं है. इट्स ब्यूटिफुल. जी मेरी मम्मा ने अभी ये वाला देख ही नहीं रहा था ठीक से. मेरी मम्मा ने बहुत अच्छा लगा इन मम्मा को बहुत अच्छा लगा है प्रोमो और आई थिंक मैंने भी अभी ये जो प्रोमो देखा है ये मैंने खुद पहली बार देखा है तो मैं खुद सरप्राइज था इस प्रोमो को लेके. बट आई थिंक जितनी हमने मेहनत की है प्रोमो के लिए और जितनी शो के लिए हमने मेहनत की है आई थिंक वो मेरे हिसाब से यहाँ पे रंग लाई है
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में भी, दिल और दिमाग में दोनों छा जाए। जो चंद्रिका सिंह चौहान है, पहले उसके हस्बैंड का बिज़नेस था और फिर जाकर वो खुद बिज़नेस संभालती है। उनकी मल्टी फैसेटेड बिजनेसेस है, मतलब क्रीम से लेकर आयुर्वेद से लेकर यू नो अलग अलग चीज़ों का बिज़नेस है। दैट्स वाई वो इतना बड़ा बिज़नेस एम्पायर है। इनफैक्ट पूरे उदयपुर में शी इज़ द रिचेस्ट, दे आर द रिचेस्ट फैमिली। तो दैट इज़ हाउ फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड वो इतने बड़े हुए हैं। और उसे देवी हुकुम इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज वो, प्लीज़ नोट दैट चंद्रिका सिंह चौहान इज़ नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर, शी इज़ वेरी पॉजिटिव। और सिर्फ उसका नज़रिया और वसुधा का नज़रिया अलग है, दैट्स इट। जो आप तीनों जो किरदार निभा रहे हैं उसकी जो आइडियोलॉजीज है उससे आप किस हद तक सहमत है, मतलब आप उतने उतने सिमिलर हैं या अलग हैं, किस तरह के हैं आप इन रियल लाइफ? फॉर मी आई एम अ 70% मैच एंड फॉर मी आई एम अ 100% मैच, क्योंकि मैं रियल में भी ऐसी हूँ। मैं बहुत, मतलब मैं भी बोलने से पहले कई बार सोचती नहीं हूँ, मेरे मन में जो है मैं बोलती हूँ। और वसुधा भी वैसी है, और वसुधा भी बहुत चुलबुली है, उसको जो करना पसंद है वो करती है विदाउट एनी फियर कि लोग क्या सोचेंगे। तो मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक सेम हूँ, और मुझे ये कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आई डोंट हैव टू प्रिटेंड, आई जस्ट लिव द कैरेक्टर। मेरे लिए भी आई थिंक 90% मैच है, क्योंकि मैं भी अपनी माँ की हर बात सुनता हूँ और हर चीज़ को मैं उसी हिसाब से लेके चलता हूँ जैसा अगर मेरी माँ ने सोचा है तो आई थिंक वो अच्छा सोचा होगा। और देवांश जैसा कैरेक्टर हर इंसान के बारे में अच्छा सोचता है, ही बिलीव्स इन गिविंग सेकंड चांसेस टू पीपल एज वेल, सो आई थिंक 90% मैच है। मतलब मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की पेट लवर हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे पेट्स, मतलब ह्यूमन बींग से ज़्यादा मुझे पेट्स आई एग्री इससे प्यार है। तो इवन इसीलिए तो मैं जो कास्ट देखा उसमें दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर बताए गए, एक वसुधा और दूसरा चंद्रिका। सीरियल का नाम वसुधा इसलिए क्योंकि वसुधा और चंद्रिका लगभग सेम है, तो वसुधा ने जो चंद्रिका की ज़िंदगी में आके जो चैलेंजेस खुद की लाइफ में और उसकी लाइफ में चेंजेस लेके आई है और उस चैलेंजेस को अप कर रही है, तो इट्स ऑल अबाउट कि वसुधा कैसे कर रही है। तो इट्स लाइक कि जब हम वसुधा बोलते हैं तो वसुधा इज़ ऑल्सो, मतलब यू नो द मिक्सचर ऑफ चंद्रिका, क्योंकि वसुधा और चंद्रिका अलग नहीं है, दोनों सेम है एज एवरी वन हैव टोल्ड यू, तो वो दोनों सेम ही है।